नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाई ए के यूट्यूब चैनल पर नेट पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिट है राजनीति विज्ञान में सिलेबस में लोक प्रशासन की इस यूनिट को अधिकतर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं जिससे उनको नेट की परीक्षा में नुकसान होता है तो ये नुकसान आपको ना हो इसलिए मैं ये लोक प्रशासन की यूनिट आपके सामने ला रहा हूँ जिसमें ये पहला वीडियो है पूरा देखिएगा अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है लोक प्रशासन से जितने भी पॉइंट हैं उनको हम इस चैनल पर क्लियर करते चलेंगे लोक प्रशासन दोस्तों आपको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है ठीक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन को एज ए सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं हम यदि इसको हम सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तो जो सामाजिक विज्ञान के जितने भाग हैं जितनी शाखाएं हैं उसमें ये एक नया विषय है कैसा विषय है नया विषय है क्या लोक प्रशासन ठीक है तो लोक प्रशासन नया विषय है सबसे पहले एक अलग विषय के रूप में यदि इसको हम देखें तो लोक प्रशासन को लोक प्रशासन के रूप में सबसे पहले यदि किसी देश में शुरू किया गया तो वो है आपका यू यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक है संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे एक पृथक विषय यानी अलग विषय के रूप में सबसे पहले शुरू किया गया एक पृथक विषय के रूप में लोक प्रशासन को ये सामाजिक विज्ञानों के जितने भी आपके विषय हैं उसमें नवीनतम विषय है ये आप इसको समझ लीजिए अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर लोक प्रशासन का अर्थ हम इस वीडियो नोट में देखने वाले हैं अच्छे से समझने वाले हैं बिल्कुल सरल भाषा में देखो दोस्तों हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं एक लोक और एक प्रशासन लोक का अर्थ यदि हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर लोक का अर्थ सरकार से होता है किससे होता है गवर्नमेंट से होता है सरकार से होता है प्रशासन क्या होता है प्रशासन होता है नियुक्त व्यक्तियों द्वारा निर्मित नियुक्त व्यक्तियों द्वारा निर्मित जो जो भी एक बॉडी बनती है उसको हम क्या कह देते हैं प्रशासन कह देते हैं नियुक्त व्यक्तियों से ही निर्मित होता है प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और लोक का मतलब यहाँ पे होता है सरकार से लोक का यदि हम सामान्यतः यदि देखें तो यहाँ पर हम जनता या नागरिक से इसको लगा सकते हैं लेकिन ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली ध्यान में रखिएगा कि लोक शब्द का यहाँ पर अर्थ जनता या नागरिक ना होकर सरकार से होता है प्रश्न डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है कई परीक्षाओं में ऐसा पूछा भी गया है कि लोक का अर्थ क्या है लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ क्या है तो वहाँ तो 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 पर लोक शब्द का अर्थ है दोस्तों सरकार है सरकार है मतलब सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है सीधी सी भाषा में आपको मैं बता दूँ सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है ठीक है और लोक लोककार्त क्या होता है सरकार से होता है ठीक है दोस्तों चलो अब यहाँ पे हम दो छोटी छोटी परिभाषाएं देख लेते हैं जिनको हमें इस टॉपिक को समझने में मदद मिलती है एक तो है आपके लूथर गुलिक की परिभाषा देखो लोक प्रशासन के विज्ञान लोक प्रशासन के विज्ञान का लोक प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है किससे संबंधित है सरकार से आ गया ये वाला शब्द यहां पर ठीक है सरकार से संबंधित है इसलिए इसका संबंध कार्यपालिका से है जहां सरकार का कार्य मुख्य रूप से होता है लोक प्रशासन का संबंध किससे है कार्यपालिका से है, है। जहां पर सरकार का कार्य मुख्य रूप से होता है किसका कार्य होता है सरकार का कार्य मुख्य रूप से होता है ये परिभाषा है लुथिर लुथर की दूसरी परिभाषा देखिए पिफनर महोदय क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का कार्य करना साफ साफ शब्दों में फिर चाहे वो कार्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन संचालित करना या चलाना हो या टकसाल में सिक्के ढालने का कार्य हो ये पिफनर का है दोनों ही परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं ये वाली परिभाषा भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है तो ये ध्यान में रखिएगा कि लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का कार्य करना अब चाहे मतलब किसी भी प्रकार का कार्य है लेकिन सरकार का कार्य है चाहे वो प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन चलवाए या फिर टकसाल में सिक्के ढालने का काम हो ठीक है ये पिफनर और गुल्लिक की दोनों परिभाषाएं आपको ध्यान में रख लेनी है जिससे कि परीक्षा में आपको मदद मिले ठीक है तो यहां पर हमने लोक प्रशासन को समझा अच्छे से तो ये प्रशासन का सीधी सी बात मैं कहूं कि प्रशासन का सर्वाधिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक घटक होता है एक तत्व होता है ठीक सरकारी प्रशासन से इसका मतलब होता है यहाँ पर लोग का मतलब सरकार से होता है जनता से नहीं होता है ठीक है जो आपने शब्द ब्यूरोक्रेसी सुना ब्यूरोक्रेट सुना नौकरशाही सुना आप उसको यहाँ उससे जोड़ के देख सकते हैं ठीक है तो वो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो सरकार की नीतियों के लिए क्या करते हैं कार्य करते हैं वो सरकार के अधीन ही होते हैं और वो लोक सेवक भी कहलाते हैं ये आपको पता है ठीक है संघ लोक सेवा आयोग लोक सेवकों की भर्ती करता है इसी प्रकार आर करता है लोक सेवकों की भर्ती है ना तो वो सरकार के ही जो जितनी भी प्लानिंग होती है उनके लिए वो कार्य करते हैं मतलब सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होते हैं विशेषज्ञ होते हैं ठीक है अब हम शासन और प्रशासन को यहाँ पर बिल्कुल सरल शब्दों में समझ लेंगे इसमें अंतर भी समझ लेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियर भी कर लेंगे देखो दोस्तों शासन क्या होता है शासन मैं आपको बता दूँ शासन किसी भी सरकार का होता है किसका होता है सरकार का होता है वहाँ पर राज्य सरकार भी हो सकती है और केंद्रीय सरकार भी हो सकती है ठीक है तो शासन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने ये जितने भी मंत्री हैं ये विधायक हैं ये सब किस में आएंगे शासन में आएंगे तो इनके लिए शासन में व्यक्तियों के लिए जो व्यवस्था है उनके चुनने की जो व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था है निर्वाचन व्यवस्था है कौन सी व्यवस्था है निर्वाचन व्यवस्था है तो यहां पर हम प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं शासन में जनता प्रतिनिधियों का क्या करती है चुनाव करती है वहीं हम प्रशासन में देखें एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो यहाँ पर व्यक्तियों के लिए लोगों को नियुक्त करने की व्यवस्था होती है नियुक्त के लिए परीक्षा साक्षात्कार ये सारे माध्यम अपनाए जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर व्यक्ति नियुक्त होते हैं नियुक्त होते हैं यहाँ पर निर्वाचित होते हैं शासन में इनको वोट डाल के चुना जाता है ओके जी शासन वाले जो व्यक्ति होते हैं शासन में जितने भी लोग निर्वाचित हुए वो अस्थाई होते हैं ठीक है उनका एक एक सामान्य सा काल होता है पाँच साल चार साल छः साल जहाँ भी जैसी व्यवस्था है तो अस्थाई होते हैं इसके बाद में इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है या दोबारा से चुनाव के जरिए निर्वाचित होकर उस पद पर आना होगा या उससे बड़े पद पर जाना होगा जबकि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में जो नियुक्त हुआ है अधिकारी जो भी कर्मचारी अधिकारी वो स्थाई होता है सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन ये अधिकारी बने रहते हैं लेकिन जो सरकार में व्यक्ति होता है उसके अधीन ये कार्य करते रहते हैं ठीक है ये जो नेता लोग जो होते हैं नेता हम मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ क्योंकि आप चीज ये समझ गए निर्वाचित हुए हैं तो ये शासक जो होते हैं ये विशेषज्ञ नहीं होते ये किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं होते ठीक है ये हर जगह जाते हैं हर तरह के वादे करके आते हैं आप लोगों को ये पता होगा क्योंकि नेतागिरी में ये गुण चलता है तो शासक किसी भी चीज के स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ नहीं होते ठीक है जी ये नीति का निर्माण कर देते हैं लेकिन इनको नीति का क्रियान्वयन करना नहीं आता वो सब कौन करेंगे अधिकारी करेंगे तो यहाँ पर जो प्रशासन में जो व्यक्ति होता है जो अधिकारी होता है वो स्पेशलिस्ट होता है विशेषज्ञ होता है उस क्षेत्र का उसको अनुभव होता है और उसमें वो कार्य करता है ठीक है इसमें जो शासन में जो लोग चुने जाते हैं वो दरअसल में जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं जनता उन्हें अपने वोट डालकर विधानसभा या फिर लोकसभा में भेजती है ठीक है जहाँ पर वो उनके मुद्दों को लेकर कार्य करते हैं उनके लिए नियमावली बनाते हैं उनके लिए कानून निर्माण करते हैं और यहाँ पर वो कानून जो होते हैं उनको लोक सेवकों के माध्यम से वो जनता के लिए अप्लाई करवाते हैं तो जनप्रतिनिधि होते हैं वहीं प्रशासन में जो चुने जाते हैं वो लोक सेवक कहलाते हैं पब्लिक सर्वेंट क्या कहलाते हैं लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट ये जितने भी आपके आई ए एस आर ए एस ठीक है ये जितने भी अधिकारी होते हैं ये सारे लोक सेवक हैं पब्लिक सर्वेंट है और ये जन प्रतिनिधि है ये क्या है जन प्रतिनिधि है हमने बहुत सारी जनता ने वोट डालकर अपना एक प्रतिनिधि चुन लिया वह प्रतिनिधि हमारी बातों को हमारी मांगों को लेकर एक सदन में रखेगा जहाँ पर उसके लिए विचार विमर्श होगा हमारे लिए कुछ कानून बनेंगे कुछ टूटेंगे कुछ घटेंगे कुछ जुड़ेंगे ताकि अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जा सके उस व्यवस्था को जब अप्लाई किया जाएगा तो लेख लोक सेवकों की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको सही तरीके से निभाया जाए सही तरीके से क्या किया जाए निभाया जाए अब देखिए सरकार या शासक सरकार या शासक किसी भी प्रकार की घोषणा कर देता है वो घोषणा करके प्रशासन में उसको बता देता है कि भाई धारा एक लग गई है अब किसी भी थाना अधिकारी की किसी भी जिला कलेक्टर की ये जिम्मेदारी सी हो जाती है कि वो उस नियम का जनता से पालन करवाए क्या करवाए जनता से पालन करवाए ठीक है तो सीधी सी बात मैं आपको बता दूं तो जो जो, जो ये प्रशासन है किसकी बात हम कर रहे हैं ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये जो प्रशासन है ये किसके अधीन कार्य करता है ये शासन के अधीन कार्य करता है ये सत्ता के अधीन कार्य करता है ये इन नेताओं के अधीन कार्य करता है सीधी बात मैं आपको बता दूं ठीक है दोस्तों तो अब तक जितना बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि इतना कुछ भी मुश्किल नहीं था जो भी हमने यहाँ पर बातचीत की ये लोक प्रशासन का पहला वीडियो है जिसमें आपको सारी चीज़ें एकदम सरलता से समझा दी गई हैं जो भी प्रश्न इसमें से बन सकते हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा ठीक है उनको भी ध्यान में रखिएगा अब एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ कि जो निर्णय लेने का काम होता है यहाँ पर यह किसका होता है शासक का होता है निर्णय लेने का काम लेकिन निर्णय लेने में सहायता कौन करता है तो वो जो लोक सेवक होता है वो जो प्रशासक होता है वो निर्णय लेने की शासक को सहायता करता है जिस पर वो अपना ठोस या सरल नरम जो भी निर्णय है जनता के लिए वो उसको ले सकता है ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो नोट में हमने देखा लोक का अर्थ सरकार से होता है दो इसमें परिभाषाएं देखी जिसमें पिफनर महोदय कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन का अर्थ होता है सरकार का कार्य करना अब चाहे वो किसी लैब में आपको कार्य करवाया जाए या फिर कहीं पर आपसे सिक्के ढलवाए जाए ठीक है ये जो भी काम है वो सरकार का काम करना होता है उसी तरह गुल्ली कहते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वो भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से जहाँ सरकार का कार्य ही मुख्य रूप से किया जाता है फिर हमने शासन को समझा प्रशासन को समझा इन दोनों के ऊपर भेद को समझा और जो प्रशासन है वो शासन के लिए उत्तरदायी होता है ठीक है प्रशासन स्थायी होता है अधिकारी चुने गए वो अपनी ड्यूटीज़ करते रहते हैं ये अस्थायी होता है एक निश्चित समय के लिए होता है उसके बाद में इसे दोबारा से बनाया जाता है दोबारा से जनता के द्वारा चुना जाता है निर्वाचित ये होते हैं ठीक है तो ये जो व्यवस्था है लोक प्रशासन की ये जो मैंने पहला वीडियो डाला आपको कैसा लगा कैसा तरीका है क्या सुधार करना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आपकी कोई परेशानी है किसी भी प्रकार की नेट परीक्षा से संबंधित लोक प्रशासन से संबंधित राजनीति विज्ञान से संबंधित तो आप नीचे कमेंट जरूर करें नीचे प्लेलिस्ट की वीडियो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उनको भी चेकआउट करते रहें उनको भी देखते रहें क्योंकि वो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से ही बनाई गई हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में